हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी जीडी की फॉर्म आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का फुल प्रोसेस। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारा वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप लोग अपने घर बैठे मोबाइल से ही अपने एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है उसका, क्या कितने फोटो केबी के बनेंगे, कितने सिग्नेचर केबी के लगेंगे, कैसा किस जो कि पिक्सल में फोटो को एडिट करके सेव करना है, अपलोड करना है, मैं सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। क्या फिर पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे आप लोग, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, क्या एग्जाम सेंटर रहेंगे कैसे, मैं सारा कुछ डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर जल्द से जल्दी आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की क्लासेस भी जो कि है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी जो कि अब एग्ज़ाम मार्च फरवरी में डेट दे दिया है इसका, फरवरी मार्च में, तो बहुत ही कम टाइम बचे हैं। तो इसके लिए आप लोगों की तैयारी बेहतर करने के लिए मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लासेस भी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जल्दी, करंट अफेयर की क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर चलाता हूँ मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अब सोच रही हूँ रीजनिंग और जीके की क्लासेस और मैथ की प्रोवाइड कराऊँगा जल्द से जल्दी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों का, कोई भी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, तो मैं इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट किया करता हूँ, और कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है उसका भी प्रोसेस बताता हूँ, और इसका जो कि सारा कुछ का जो पीडीएफ होता है करंट अफेयर जो भी क्लासेस की पीडीएफ होती है, मैं उसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा, और ये प्रोसेस केवल मोबाइल का ही नहीं है, आप लोग बस टैब लैपटॉप जो भी हो उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, सेम प्रोसेस है। तो देखिए, तो आप लोगों को सिंपली आप लोगों को मैं एक बता रहा हूँ कि आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिएगा, गूगल क्रोम ब्राउजर में टाइप कीजिएगा एसएससी, ठीक है। आप लोग सिंपली एसएससी टाइप कीजिएगा, ठीक है। एसएससी जैसे ही टाइप करेंगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, इस पर जो फर्स्ट आएगा उसी पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि अभी सर्वर के कारण प्रॉब्लम के कारण अभी थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों का। अब देखिए, इसमें से आप लोगों को दो प्रोसेस यहाँ से हो जाता है। अगर आप लोग एसएससी का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, एसएससी में अभी तक आप लोगों ने कोई भी फॉर्म नहीं डाला है, एसएससी का, एसएससी जीडी का ही नहीं, एसएससी में कोई भी फॉर्म, चाहे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल फेज 9-11 जो भी आता है, फेज होता है सीपीयूपीयू, एसएससी का अगर कोई फॉर्म अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा है, तो आप लोग सिंपली आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग एसएससी में पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हैं तो। और अगर आप लोगों ने एसएससी में कोई फॉर्म भर दिया है और आप लोगों को भरने के बाद कि इससे पहले कोई भी एसएससी का फॉर्म भरे हैं, आप लोग फिर एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है, यहाँ लॉगिन वाले पर, और लॉगिन वाले पर क्लिक करना होगा। इसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो भी फॉर्म भरे थे, चाहे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू जो भी फेज का जो भी फॉर्म भरे थे उसका आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और उसी का आप लोग का इसमें पासवर्ड डालना है, ठीक है, पासवर्ड डाल के और फिर कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। तो मैं इसका भी प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि न्यू यूजर्स के लिए, न्यू कैंडिडेट जो भी है अपना फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे वो अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नए कैंडिडेट एक हैं तो आप लोग सिंपली न्यू यूजर पर क्लिक कीजिएगा, और मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि लॉगिन करके भी, क्योंकि आगे इसका प्रोसेस वही है, लॉगिन करना पड़ेगा आप लोगों को भी, न्यू यूजर हो चाहे ओल्ड यूजर हो, दोनों को लॉगिन करना पड़ता है। तो ठीक है, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा खुल के। देखिए, बेसिक डिटेल्स का आ जाएगा, उसके बाद देखिए बेसिक डिटेल्स में डू यू हैव आधार कार्ड, ये सारा कुछ प्रोसेस मांग रहा है ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके पास आधार है, देखिए पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप लोग यस कीजिएगा, हाँ आधार कार्ड है। उसके बाद इसमें आधार कार्ड का नंबर डालिएगा आप लोग, नंबर डालने के बाद उसका आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी, ये तो हो गया कंप्लीट, इसको ये वैसे ही ब्लैंक रह जाएगा, ये भी वैसे ब्लैंक रह जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नेम डालना है, जो भी आप लोगों का नेम है, उसके बाद आप लोग फिर एक बार और नेम डालना है, और उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर दे देना है। देखिए, डू यू हैव चेंज आधार, आपने क्या हैव यू एवर चेंज अ नेम, चेंज नहीं, आप लोग इसमें नो ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग का नेम कोई चेंज नहीं हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे अपना फादर नेम डालेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को,
फादर नेम आप लोग यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, फिर फादर नेम के बाद फिर फादर नेम को वेरीफाई कीजिएगा, फिर मदर नेम डालिएगा इसमें, फिर मदर नेम को वेरीफाई कीजिएगा, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ को भी एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि। उसके बाद आप लोगों का मैट्रिकुलेशन आप लोगों कौन सा बोर्ड से पास किए हैं आप लोग वो सेलेक्ट करना होगा। देखिए मैंने जैसे कि आप लोग उत्तर प्रदेश जो भी बोर्ड से पास किए हैं आप लोग वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप सारे बोर्ड के जो भी बोर्ड्स हैं आप लोगों का सारे बोर्ड का लगभग नियम दे ही दिया गया है। तो आप लोग जो भी बोर्ड है आप लोग उस बोर्ड को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर वेरीफाई बोर्ड आप लोग फिर वेरीफाई करना पड़ेगा आप लोग का कौन सा बोर्ड है उसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आप लोग बस यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा, जो भी आप लोगों का रोल नंबर हो आप लोग रोल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि कोई कुछ भी डाल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये रेंडमली इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर आप लोग वेरीफाई रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर डालना है कि किस ईयर में पास किए हैं आप लोग, फिर इसके बाद पासिंग ईयर को वेरीफाई करना है किस ईयर में पास किए हैं आप लोग, मेल है कि फीमेल है वो सेलेक्ट करेंगे जो भी का आप लोग होंगे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद से लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें डालनी है, जैसे डिप्लोमा किसी के पास है डिप्लोमा डाल देंगे, ग्रेजुएशन किसी के पास है ग्रेजुएशन डाल देंगे, किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा, जो भी आप लोग का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है डाल सकते हैं। अगर आपके पास केवल टेंथ ही है तो टेंथ ही डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, देखिए मोबाइल नंबर याद रहे आप लोग कोई वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, और ये मोबाइल नंबर हमेशा आप लोगों के पास प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार रजिस्टर हो जाएगा फिर आप लोग का यही रजिस्ट्रेशन और अपना पासवर्ड हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अच्छा ही डालिएगा, क्योंकि जो भी आप लोग का पर्सनल मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिएगा, और ईमेल आईडी को भी पर्सनल ईमेल आईडी डालिएगा अपना जो भी आप लोगों के पास हमेशा रहता हो। उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर स्टेट चूज करना है, ठीक है, कि किस स्टेट में आप लोग परमानेंट रहते हैं, आप लोग का जो भी परमानेंट स्टेट है उसको भी आप लोग उसको आप लोग सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद से आगे आप लोगों का सामने ये वाला इंटरफेस होगा। चलिए मैं सेव करके दिखा रहा हूँ, सारा कुछ फिल करके सेव करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आगे। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी दिया जाएगा कि कौन से किस कैटेगरी के आप लोग कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी एसटी ओबीसी जो भी आप लोगों का होगा आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से आप लोगों का फिर कैटेगरी वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का कैटेगरी वेरीफाई करने के बाद से आप लोगों का नेशनलिटी डालिएगा, उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन मार्क डालिएगा, जो भी आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, किसी का कट मार्क हो गया, किसी का जला होगा, किसी का तिल हो गया, जो भी मोल वोल होता है जो भी आप लोग होगा आप लोग आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डालना है कि क्या आप लोग डिसेबिलिटी हैं, अगर आप लोग दिव्यांग होंगे तो यस कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो नो कीजिएगा, ठीक है। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यस करेंगे तभी डालने का ये ऑप्शन है, अगर नो करिएगा तो ब्लैंक हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों को मैं फिर आगे क्या इसका प्रोसेस है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये सारा कुछ ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ से पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस, जो भी आप लोगों का परमानेंट एड्रेस उसमें आप लोग यहाँ पे फिल कीजिएगा आप लोग। उसके बाद से आप लोग अपना स्टेट चूज कीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कीजिएगा, फिर उसके बाद से अपना पिन कोड डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद से आप लोग आगे स्टेप में आ जाता है, आगे स्टेप में आप लोगों से पूछा जाएगा पिन कोड डालने के बाद से परमानेंट एड्रेस, और जो देखिए आप लोग या तो करेंट एड्रेस पर रह रहे होंगे या फिर कोई परमानेंट आप लोग का एड्रेस होगा। अगर आप लोग करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप लोग यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर दोनों सेम नहीं है, अगर आप लोग परमानेंट कोई और है, अगर अभी आप लोग कहीं और रह रहे हैं तो परमानेंट वाला ऊपर डाल दीजिएगा, और अभी जो भी रह रहे होगा आप लोग करेंट एड्रेस में तो नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों आप लोग का सेम होगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नो पे क्लिक कीजिएगा, और फिर अपना जो भी होगा डालिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से आगे आप लोग आ जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस, उसके बाद से आप लोग फिर आप लोग आ जाएगा सेव करने का ऑप्शन, ठीक है। आप लोग इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आप लोग नेक्स्ट हो जाइएगा। उसके बाद आगे आप लोग का कुछ और इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से कुछ ओपन होगा, डिक्लेरेशन देगा आप लोगों का। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप आई एग्री पर इसको क्लिक करना है आप लोगों को। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद से आप लोगों को फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फाइनल सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग, उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद से आप लोग के पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी और जो कि आप लोग का पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, और आप लोगों का स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चलिए जैसे सब कुछ करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए
फिर आप लोगों को लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद जब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा तो आप लोग इस ऑप्शन SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा फिर दोबारा। उसके बाद जो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिएगा, जो भी पासवर्ड आया होगा पासवर्ड यहाँ डालिएगा और इस कैप्चर को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद से आप लोगों का सामने कुछ लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं आप जल्दी से लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद से आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप लोगों को अपना कैंडिडेट नेम डालना है। आप लोग अपना नेम डालिएगा, उसके बाद नेम को फिर आप लोग ये सब ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, आप लोग कुछ भरना नहीं है। उसके बाद आप लोग का फादर नेम मदर नेम ये सब रहेगा, ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा, आप लोग डेट काउंट कर दिया जाएगा कोई कितना है ये सब रहेगा आप लोग का। ऑटोमेटिक कुछ भरना नहीं है इसमें आप लोगों को, जो भरना रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आप लोग का फिल रहेगा जो कि आप लोग रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही भर दिए थे। देखिए भरना जो रहेगा आप लोगों को यहाँ पे भरना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से पूछेगा आप लोग कि आप लोग एज में छूट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग छूट लेना चाहते होंगे तो एस कीजिएगा, नहीं लेना चाहते तो नो कीजिएगा। एस कीजिएगा तो आप लोग STO जो भी आप होगा कैटेगरी वो सेलेक्ट करना रहेगा, नो कीजिएगा तो कुछ नहीं ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद से आप लोगों से पूछेगा यहाँ पे कि क्या आप लोगों के पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर NCC सर्टिफिकेट होगा तो एस कीजिएगा, नहीं होगा तो नो कीजिएगा। अगर एस कीजिएगा तो आप लोग टाइप ऑफ सर्टिफिकेट चूज करना होगा कि आप लोगों का सर्टिफिकेट सी है कि बी है कि ए है, कौन सा सर्टिफिकेट है आप लोगों को वो चूज करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का एग्जाम सेंटर चूज करना है। एग्जाम सेंटर में क्या डालिएगा आप लोग, जो भी आप लोग एग्जाम सेंटर डालना चाहते हो आप लोग अपना एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। जैसे कि आप तीन आप लोग एग्जाम सेंटर चूज करना रहेगा, पहला चूज कीजिएगा फिर दूसरा फिर तीसरा चूज कीजिएगा, जो भी आप लोग का एग्जाम सेंटर डालना हो एग्जाम सेंटर डालिएगा, ठीक है। और आप लोग उसके बाद 18वें नंबर पर आ जाता है मीडिया फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कि किस बेस में आप किस जो कि लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम अपना लेना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश कर में लेना चाहते हैं कि हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी आप लोग लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग किस स्टेट के डोमिसाइल हैं, आप लोग डोमिसाइल जो कि आप लोग किस स्टेट के निवासी हैं, अगर उत्तर प्रदेश के निवासी या आंध्र प्रदेश के, जो भी आप लोग का स्टेट होगा आप लोग स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से आगे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट देखें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को वेरीफाई करना है। उसके बाद आप लोग पूछ रहा है कि हैव ए माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट UT योर ओरिगन टू अनदर स्टेट, अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट किए हैं तो आप लोग एस कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर भी इसको भी नो करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला आप लोग का ऑप्शन आ जाएगा किस स्टेट के आप लोग, उसके बाद से यहाँ पर स्टेट ऑफ ओरिगन ये सारा अगर एस कीजिएगा तब ये सब सेलेक्ट करने को आएगा, नो कीजिएगा तो कुछ ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, मैं आगे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद से आप लोग आएगा कि क्या पूछेगा आप लोग कि क्या आप लोग नक्सल इफेक्टेड एरिया से जो कि डिस्ट्रिक्ट है आप लोग का बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वो नक्सल इफेक्टेड एरिया होगा तो उसको आप लोग यस कीजिएगा, नहीं होगा तो नो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, आप लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर होगा तो यस कीजिएगा, नहीं होगा तो नो कीजिएगा। और ये ऑटोमेटिक हम जहाँ तक लग रहा है ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी आप लोग को सेलेक्ट करना रहे तो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस देखना चाहते हैं कि किस पोस्ट का कौन सा प्रेफरेंस है तो ये पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल पर क्लिक करके आप लोग पोस्ट का प्रेफरेंस डिटेल चेक कर सकते हैं कि BSF का क्या पोस्ट कोड है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कोड ही डालना है ABCDEFGH, ठीक है। और उसके बाद से आप लोगों को और उसके बाद से आप लोगों को CRPF का क्या पोस्ट कोड है, SSB का क्या पोस्ट कोड है, वो पोस्ट कोड इस पोस्ट डिटेल पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद से फिल कीजिएगा। उसके बाद से आप लोग का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आप लोग क्वालिफिकेशन होगा वो डाल दीजिएगा, 12th पास किए होंगे कोई लास्ट 10th तक ही होंगे अभी, कोई किसी का डिप्लोमा हो गया होगा, किसी का PhD हो गया होगा, तो आप लोग जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन होगा क्वालिफिकेशन में डाल दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिएगा, जो भी आप लोग का नॉर्मल 10th बेस पर है 10th बेस पर डालिएगा, ठीक है, नीचे वाले में। और उसके बाद आप लोग अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालिएगा कि पास है कि अपीयरिंग है, पास कर दीजिएगा जिस भी ईयर में 10th क्लास पास किए हैं वो पासिंग ईयर डालिएगा, जो भी आप लोग का बोर्ड स्टेट होगा वो डालिएगा। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम डालिएगा, उसके बाद रोल नंबर डालिएगा, उसके बाद परसेंटेज डालिएगा, ठीक है, 10th क्लास का ये सारा कुछ रहेगा इसमें। उसके बाद आप लोग पूछेगा कि आप लोगों से कि क्या आप लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं SSC को, अगर हाँ तो यस क्लिक कीजिएगा, ठीक है।
और उसके बाद से सारा कुछ आप लोग का प्रोमा खुल के आ जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप में आप लोग का फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर की मैं बात करूँ, फोटोग्राफ की आप लोग की साइज़ होनी चाहिए 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। फोटोग्राफ की साइज़ आप लोग 20 से 50 KB के बीच में हो जानी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ आप लोग 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग का फोटो यहाँ पर अपलोड करना चूज फाइल पर, और यहाँ पर सिग्नेचर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना रहेगा। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर पूछेगा कि आप लोग का देखिए वेदर वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर आफ्टर, जो कि 24 अगस्त 2023 के बाद का फोटो होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। 24 अगस्त 2023 के बाद का फोटो होना चाहिए। अगर आप लोग का 24 अगस्त 2023 के बाद का फोटो है तो एस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और वही लेटेस्ट फोटो ही अपलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का सारा कुछ डिक्लेरेशन दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, एग्री पे क्लिक करके उसके बाद कैप्चर कोड फिल कीजिएगा, ये वाला कैप्चर को इसमें कोड फिल कीजिएगा, और फिर प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद से आप लोग का फॉर्म का स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है। सारा कुछ दिखा दिया जाएगा स्टेटस फॉर्म का। उसके बाद स्टेटस पर फॉर्म दिखा देने के बाद से प्रीव्यू देखने के बाद से जो भी आप लोग का सही या गलत है फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं कि कोई गलत होगा तो इस पर एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर कोई गलत नहीं होगा तो सिंपली आप लोग फाइनल सबमिट कर सकते हैं अपना फोटो जो कि होगा आप लोगों का अप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आप लोग अपने बड़ी आसानी से आप लोग SSC GD का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोग का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया कि कैसे आप लोग SSC GD कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप लोग SSC GD कांस्टेबल की व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो कि आप लोगों का नंबर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग इस नंबर पे SMS करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप को SMS करके आप लोग SSC GD के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आप लोग नंबर पे क्लिक कीजिएगा, SMS कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।